सुबह सुबह का टाइम है, सूरज उदय हो चुका था, काफ़ी सूरज जो है ना चढ़ा हुआ था, धूप निकल रही थी, चिड़ियाओं की चरचराहट थी। और इधर गैलरी में मम्मी ने आधी गैलरी में झाड़ू लगा दी, इधर है ना इस साइड में लगा दूंगी। और मतलब अभी सुबह सुबह तो लग जाती है, फिर हवा निकल जाती है तो झाड़ू नहीं निकलती बिल्कुल भी, क्योंकि तो सारा कूड़ा जो है ना वापस उड़ के आता है। देख रहे हो कितनी अच्छी सूरज की किरणें पड़ रही है। फोन वैसे भी नहीं लगा सकते सूरज की साइड को, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे आंखें अंधी होगी। तो इधर पूरी झाड़ू निकाल दी मैंने, सरप्राइज, इधर पूरी झाड़ू निकाल दी। मुझे कमेंट आ रहा था एक कि तुम्हारा घर जो है ना बहुत गंदा है, इसीलिए तो जो है तुम्हारी, आगे बताऊंगी वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं। तो इधर झाड़ू लगानी बाकी है, किचन में चलते हैं, उधर भी काम करना है, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं अभी फ़िलहाल। यहाँ पे है ना ये जो हमारा हम वो लाए थे कोलिन, उसका जो ये वो है ना छिड़कने वाला, ये ख़राब हो गया है। तो इसको है ना इसमें झाग भर गया, तो उसके झाग निकाल रही थी वो, इसमें झाग भरने की वजह से नहीं चल रहा है ये। मैंने कहा चलो देखते हैं, बुलबुलें फुला रही थी, मैं मस्ती कर रही थी मैं अभी उसके साथ में कि हाँ 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 फुलाओ फुलाओ, देख कैसे झाग निकाल लोगे आप। तो फाइनली मेरा काम जो है ना शुरू हो गया। सुबह सुबह ये इधर उधर की चीज़ें सिंगवाना, कूड़ा इकट्ठा कर दिया, झाड़ू लग गए, चारपाई हटानी, फिर इधर वही खड़ी करनी, इनके पीछे झाड़ू लगानी। और रही घर की गंदगी की बात, तो मेरे अकेले के करने से घर साफ़ नहीं हो जाएगा, सबको लगना पड़ता है। इधर पास में बराबर में ही जो जगह है ना वो हमारी नहीं है, मैं कितनी बार ये चीज़ बता चुकी हूँ, तो उसको मैं कैसे करूँ। मैंने अभी तो कुछ टाइम पहले फावड़ों से घास साफ़ किया था, ये इतनी इंटी मेरे बस में नहीं है कि मैं लगा दूँ। आप ही बताओ, आप बोलते हो घर गंदा है घर गंदा है, मैं क्या क्या करूँ? घर का संभालूँ, बच्चों का संभालूँ, बाहर का देखूँ, या अपना अपना शरीर भी देखना होता है। मैं एक दिन में सारा काम पेट में नहीं दे सकती, ना मुझसे इतनी सारी इंटी लगेंगी। कितनी बार मैंने हस्बैंड को बोला कि इन इंटियों को कामयाब कर लो, टीन की चादर वगैरह गिरवा लो, एक आधा पशु बांध देंगे, मैं ही बांध दूंगी, आप कम से कम इतना काम तो करवा दो। मेरी इतनी खास सैलरी नहीं आ रही है कि मैं सारे काम कर पाऊँ, मुझे खर्च भी देखना होता है। पर इस घर में जब कोई सुनता नहीं है, तो मेरे अकेले के साफ़ करने से सफाई हो जाएगी क्या? सबको लगना पड़ता है, जितना मेरे बस में होता है मैं करती हूँ, घास भी पाड़ देती हूँ, ये घास भी साफ़ कर देती हूँ, मेरे बिना कोई हाथ पैर नहीं चलाता। क्या अकेली मैं इसी घर में रहती हूँ? और सबको भी तो दिखना चाहिए कितना गंदा है, मैं कहाँ कहाँ बटूँ? मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं सारे दिन उल्लू के बैल की तरह पिलती रहूँ। और वैसे भी मैं थक जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मशीन गिरी है, थकती है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे चलती रहेगी वो थकेगी नहीं। फिर भी है ना मेरे को लग रहा था इधर टीन में है ना बहुत गंदा हो रहा है, बहुत फैल रहा है। मैं पीछे बता रही थी ना जब मेरा बीपी डाउन चला, तो मैं सोची तब करूँ, फिर मैं नहीं कर पाई। और हाँ, उधर मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ, उस पर किसी ने कमेंट कर रखा अब नहीं बीपी डाउन हो रहा, तो पहले आगे इस ब्लॉग को देखना, इसमें आगे वो क्लिप्स आएंगी। वो है ना बीपी जिस दिन डाउन हुआ था उससे 2 दिन बाद की बात है, मैं जब बच्चों को लेके गई थी घूमने के लिए। ठीक है जी, तो बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए, आप उसको ध्यान दो ना उसमें कौन से कपड़े पहन के रखे हुए हैं और इन ब्लॉग में कौन से आ रहे हैं। मैं एक्स्ट्रा भी शूट कर लेती हूँ, 1-2 दिन पहले की भी वीडियो मतलब बना के रखती हूँ। मेरा काम नहीं चलता, पता नहीं इमरजेंसी में कहाँ निकलना पड़ जाए। मुझे ना कभी कभार मेरे मम्मी पापा बुलाने लगते हैं एकदम इमरजेंसी में, वहाँ भी जाना पड़ जाता है, उनको भी देखना होता है। और मेरे है ही कौन, मेरे माँ बाप, मेरे भैया, अभी मेरे मायका और मायके से अलग मेरा है कहाँ जाना, किसके जाती हूँ मैं? बुआ फूफी मामा नाना किसी के भी नहीं जाती हूँ, मामा गाँव में, वहाँ तक भी नहीं जाने पाती हूँ। बस गई 1-2 दिन के लिए माँ बाप से मिल आई, और अब तो वैसे भी कहीं जाना नहीं होगा छुट्टी से पहले, अगर मजबूरी पड़ेगी तो जाना पड़ता है, नहीं तो मैं खुद ही नहीं जाती। अभी पूरी छुट्टी ऐसे निकाल दी, मम्मी बोलती रही आजा आजा, बस मैं सिर्फ 4 दिन के लिए गई। और रही मेरे घर की गंदगी और सफाई की बात, तो जिसने मुझे ये कमेंट किया है ना कि तेरी भाभी जो है ना प्रिया, वो रात को यहाँ इसलिए नहीं रुकती कि तेरा घर गंदा है, क्यों वो बगड़ में सोती हैं क्या? है मेरा घर गंदा है, वो मेरे रूम में नहीं सोती, मेरा रूम साफ़ नहीं है, मेरा किचन साफ़ नहीं है, क्या घर गंदा होने से रिश्तेदार नहीं आते हैं, भैया भाभी नहीं आते हैं? तो अपनी सोच को बदलो, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई मेरा घर गंदा है तो गंदा ही रहेगा, ठीक है साफ। अगर तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो तुम आ जाओ साफ़ करने के लिए, ठीक है? इतना तो नहीं कि इतना गंदा पड़ा रहता है जितना आपने बोला है कि तेरी भाभी इसलिए नहीं रहती यहाँ पर रात, इसलिए नहीं रुकती, ऐसा कुछ नहीं है, वक्त की बात है। थोड़ा सा वक्त जो है उनको जब मिलता है वो आ जाती है, जब नहीं मिलता नहीं आ पाती, और ठीक है ना। ये सोच आप अपनी चेंज करो, मेरी भाभी के मन में कभी ये चीज़ है नहीं कि नंद के घर रात ना रुकूं। अगर आप बोलो तो मैं आज ही बोलूं उनको कि आना है तो वो आएंगे, इतना मुझे विश्वास है उन पर। तो हमारे बीच में ना मनमोह लगा क्या?
उठाओ कराने की कोशिश भी मत करो। इस तरह का कमेंट्स करके आना आपने बहुत ये बोला कि घर गंदा है। क्या ऐसे भी लोग हैं जिनके झोपड़ी पड़ी हुई है, छप्पर पड़े हुए हैं और बेचारों के बाहर ही कूड़ा पड़ा हुआ है, वो भी रहते हैं, उनका भी तो घर है, वो भी तो उसी हाल में जिस हाल में भगवान रखता है उस हाल में रहते हैं। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए घर गंदा है, क्यों गंदा और साफ से क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेरी भाभी को ये फ़र्क पड़ रहा है कि मेरी नंद गरीब है, उसका घर गंदा है, मैं नहीं रुकूंगी। उनके मन में ये भावना है ही नहीं कि दीदी के घर ना जाऊं। जब मैं पीछे बीमार हुई, मेरे हस्बैंड बीमार हुए, वो तुरंत ही भैया को लेके देखने के लिए आई है। ऐसा मेरी भाभी ना मेरा भैया कोई भी इस चीज़ का मन में नहीं मानते, वो जब भी मैं बोलूँ तभी आ जाते हैं। और टाइम भी होता है आदमी का, अब रोज़ रोज़ तो कोई नंद के घर नहीं बैठा रहता, जब भी टाइम लगता है या किसी उस पर ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ किचन में, तो मुझे बनानी है चाय। जी हाँ, चाय बनाने के लिए रख दी अरुण ने, तो मैंने अरुण को बताया तो क्या ही बुआ पता नहीं, देखो ये अजीब सी मतलब चीज़ हुई भगोने में, गैस बिल्कुल स्लो पर थी, भगोना जो है ना इस तरीके से उछल रहा था बार बार, बहुत बुरी तरीके से चाय उछल रही थी। मतलब एक बार को तो मैं भी डर गई, क्या हुआ ये इतनी तेज तेज चाय उछाला ले रही है भगोने में, डर लग रहा था देख के भी, अजीब सा फील हो रहा था। देखो किस तरीके से चाय उछल रही थी बार बार, और बच्चे जो है ना बाहर निकल रहे थे रसोई से, हमें तो डर लग रहा है मम्मी कभी ये भगोना उछल के हमारे ऊपर गिर जाए, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा मेरे को खुद ही नहीं पता, गैस धीमी करके रखी हुई थी, दूसरी गैस पर रखा तो वो तेज़ चलती है, निकल जाएगी एक सेकेंड में, खूब मंदी करके रखी हुई थी, ऐसे ही बार बार उछल रही थी चाय। तो एक अजीब सी आहट मालूम दे रही भगोने में, हमें लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, आपसे पहले आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आज बहुत अजीब फील हुआ, बार बार इस तरीके से चाय उछल रही है भगोने में, खटखट कूद सी रहा है जैसे भगोना गैस पे, किसी चीज़ के होने का आभास हो ऐसा हो रहा था। तो मैंने बच्चों को बाहर भेजा, मैंने कहा जाओ मैं अपना आप देखती हूँ, बच्चे मम्मी इसमें भूत आ गया, ये आ गया, हो गया, मारे पागल हो गए। तो मैं तो कुछ नहीं होता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, भगवान होते हैं, भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता। अब यहाँ ना पानी भर लेते हैं, मोटर हर 10 मिनट के बाद बंद हो जाता, तो पानी भर के रख लिया, थोड़ा सा ना बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं, झाड़ू लगा दी, तो थोड़ा सा पानी छिड़क देती हूँ यहाँ से वहाँ तक, पूरा टीना ना उधर से साफ़ कर दिया। दो भाई साहब की जो है ना भूसकी पल्ली रखी हुई थी वो परली साइड लगा दिए, कह रहे बाबू पाइप मांग रहे थे, मैंने कहा बेटा 5 मिनट में ना बंद हो जाना है, थोड़ा सा पानी छिड़क लेने दे, कह रहा मम्मी बोल दो हूँ मैं अपनी, मैं कहा भाई रहने दो तुम बोल उल धोने को, ऐसे पानी छिड़कवाऊँ ये करूँ, मैं कहा बेटा ये बंद हो जाएगा। अब पानी इसलिए छिड़क रही थी कि धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है बहुत ज़्यादा, फिर सारे सिकरा हुआ सारा मेहनत ख़राब हो जानी है, तो इससे थोड़ी सी मिट्टी जो है ना दब जाएगी, बरामदे में को भी लगा देते हैं और अभी यहाँ पर ना यहाँ पर भी फेर देते हैं पानी, थोड़ा सा ठीक सा हो जाएगा, ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, हवा चलती है तो सब ख़राब हो जाता है। थोड़ी सी सपील वगैरह धोने की सोच रही हूँ, अगर बंदना हुआ तो धो जाएगी, और ये बिल्कुल आगे यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा सीमेंट गिरवा के रखा हुआ, तो यहाँ भी धोने के लिए सोच रही हूँ। अभी बताओ मेरा तो बहुत सारा काम रूम में अभी रुका पड़ा है, किस वजह से, सब पेमेंट की वजह से, और उससे पहले फिर बच्चों का है, तो सारी चीज़ें जो है ना वो पैसों से ही होंगी। रूम में जो काम कराना है, किचन में थोड़ा सा काम कराना था वो भी बीच में रुक गया। अब यहाँ पे जैसे ही मैं धोने के लिए लगी, यहाँ मिट्टी हो रही थी बहुत ज़्यादा, मैं खिलौने नहीं है नहीं है मेरे पास, मैं खिलौने कहाँ बताया लिपस्टिक लगा ली, बालों में कंघी कर लिया, अभी बाल बांध लिए हैं और अभी मैं निकलती हूँ बस, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, मुझे अपनी दवाई लेने के लिए, तो मैं अपनी दवाई भी लाऊंगी और बच्चों को थोड़ा सा घुमा के भी लाऊंगी। बच्चों का मेरी भतीजी आ रही है, तो कह रही बुआ थोड़ा सा घुमा के लाओ मुझे कहीं, मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा घुमा लाऊँ, बच्ची है वो चली जाएगी 5-4 दिन के बाद, तो सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा घुमा लाऊँ, जब ज़्यादा इच्छा हो रही है, और साथ के साथ अपनी दवाई भी ले आऊँ। और मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना किसी और डॉक्टर के भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा चल रही है अभी, कम आराम है, तो पाँव में बहुत दूर तक दर्द है। दोनों बेटी आ गए हैं, तैयार है, बेटा भी निकलते हैं, हाँ बच्ची आ जाती है छुट्टी में रहने के लिए, थोड़ा बहुत कुछ घुमा लाऊँगी, कुछ दिखा लाऊँगी, खुश हो जाएगी बच्चों से। तो जाओ जाओ घूमो, घूम लो कारव, कहा कारव है, कारव को छोड़ रही है।
हमने मैं बच्चों को लेके पहुंच गई थी पार्क में, तो मेरी भतीजी आई हुई है और उसका बहुत मन था कि बुआ पार्क में लेके चलो, घुमाने लेके चलो, तो मैं उसको लेके आई और बच्चों की मस्ती शुरू हो गई है। ये देखो यहाँ पे एक जेंट्स खड़ा हुआ है और उसके साथ में उसके पेट में वो लग रहा फावड़ी का डंडा। अब नहीं करी मम्मी उसको तो पेट फोड़ दिया। पीछे देख रहे हो आप, मतलब मन लग रहा बच्चों का बहुत। मैं अरु की वजह से आई हूँ और हमारे से थोड़ा नज़दीक ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, पर अरु को ज़्यादा लग रहा था कि चलो ये देखो क्या एक्टिंग करनी है। भाई चलो इसको घुमा के ले आते हैं, थोड़ा सा मन और सा हो जाएगा बच्चों का। आज मौसम भी अच्छा था, अगर गर्मी होती तो मुझसे निकला नहीं जाता, पर मौसम ठीक लगा तो मैंने सोचा चलो इनको घुमा लेते हैं, इनकी मस्ती दिखाते हैं आपको। चलो चलो कायरो कराटे कराटे या 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 कराटे खम्बो खम्बू खम्बू चप्पल शुद्धि कर, चप्पल तो शुद्धि कर दे। यू यू केला ही लड़ रहा। ये देखो खुम्बू बंदर यहाँ ना आ रहे। को दिखाते हैं गेहूं की फसल जो है वो किस कितनी पक चुकी है, कितनी अभी कच्ची है, कितने टाइम के बाद जो है ना गेहूं कटेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना गेहूं में पेलापन आ चुका है, बाल जो है ना वो पीली पीली होनी शुरू हो गई है। तो अप्रैल के लास्ट तक या फिर मई मई के स्टार्टिंग में जो है इनमें कटाई लग जाएगी, मतलब गेहूं कटने शुरू हो जाएंगे। जिसने आगे से बो रखे हैं उनके तो शायद जल्दी पक जाते हैं, जिनके पछते हैं उनके में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ ये गेहूं के बाल, देखो यही है अन्न जिसको हम खाते हैं पीते हैं, और इसके बिना ज़िंदगी भी अधूरी है, अन्न बिना ज़िंदगी अधूरी है। जब आदमी 8-9 दिन भूखा रह के अन्न खाता है तो चक्कर आ जाता है, और 2-4 दिन अन्न ना खाए तो हालत ख़राब हो जाती है। तो बहुत मेहनत के साथ में ये बोया और उगाया जाता है, और जैसे बहुत मतलब थोड़े आगे पीछे खेत गंगा की साइड जो खेत हो गए उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जैसे फसल बोई गंगा जी चढ़ गई तो सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया। तो जैसे मैं यहाँ घूमना है मैंने उधर बच्चों को दिखाया कि वहाँ पत्थर लग रहे हैं जिससे पानी ऊपर ना चढ़ सके, क्योंकि आती है गंगा जब चढ़ जाती है फसल बर्बाद हो जाती है। और जो खादर होते हैं वैसे खेत होते हैं मिट्टी खादर की साइड की, जिधर चिकनी मिट्टी वगैरह मिलती है उधर तो बहुत जल्दी चढ़ती है। तो अभी ये फसल जो है ना काफ़ी हद तक इतनी पक चुकी है, कुछ टाइम के बाद पूरे तरीके से पक जाएगी, फिर इनमें कटाई लग जाएगी। और अब इस टाइम जो है ना ईख बुआई भी बहुत ज़्यादा चल रही है, कुछ लोग ईख बो रहे हैं। और जई जो ना मैं मुझे पहले नहीं पता था जई और गेहूँ में क्या अंतर होता है जब छोटी थी, अब तो बहुत चीज़ों का वो ऐप तो पता है मेरे को। और जगह जगह बेचारे बछड़े कोई ना कोई छोड़ देता है, घूमते रहते हैं, ऐसे गलत बात है छोड़ देना, ऐसे तो जो गौशाला वगैरह खुली है उनमें भेज देना। अब किसी ने एक बछड़ा छोड़ के रखा हुआ है फिर कहते हैं कि फसल का नुकसान करते हैं, पर ऐसे छोड़ देते हैं पशुओं को। मैं आपको दिखाऊँ, देखो उस खेत में ना दिख रहा होगा वो वाइट वाइट सा आपको बछड़ा, वो किसी ने छोड़ के रखा हुआ है। अब ये रात भर यहाँ फिरेगा, फिर इसको कोई खेत में आके मारेगा भगाएगा, तो गलत बात है ना ऐसे छोड़ना सड़कों पे। इनको गौशाला वगैरह में छोड़ दे तो फिर भी। तो चलिए आगे पहुँच के मिल